जनरल स्मार्ट क्लासेस और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आयु संबंधित प्रश्न का पार्ट 3। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। भाई व्यक्ति और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है का मतलब होता है हमारा वर्तमान, है का मतलब होता है जो बीत चुका है हमारा, ठीक है, और होगा का मतलब होता है आने वाला। ठीक, जैसे उसने बोला 100 वर्ष है तब हम कहेंगे व्यक्ति प्लस पुत्र बराबर 100 वर्ष, लेकिन कौन सी कंडीशन होगी हमारी, वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान में दोनों का योग 100 वर्ष है। फिर उसने अगला बोला, आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 2:1 था। अब वो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व कितना था, 5 वर्ष पूर्व 2:1। ठीक, तब उसने बोला है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब भी कोई योग की बात करेगा तो ध्यान रखना योग को हम वहां लेकर जाएंगे जहां पर हमारा अनुपात है, योग को कहां लेकर जाएंगे जहां पर हमारा अनुपात है, और अनुपात कहां पर है, 5 साल पहले, तो इसे भी हम 5 साल पहले लेके जाएंगे। तो 5 साल पहले लेके जाओगे तो 5 इसके माइनस करेंगे, 5 इसके माइनस करेंगे, कितने माइनस हो जाएंगे दोनों के, 10 माइनस हो जाएंगे, तो दोनों के 10 माइनस कर देंगे तो ये योग कितना उनका आ जाएगा, 90। ठीक है, ये 90 योग कब का आएगा, 5 साल पहले का, क्योंकि दोनों को 5-5 हमने माइनस कर दिए। अब हम कहेंगे योग को योग से भाग, 90 योग है और योग से भाग करेंगे, इसका अनुपात 2 इसका अनुपात 3 कितना हो गया, सॉरी 2 इसका और 1 इसका कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 से भाग कर दो इसे, 3 × 9 = 0 गुणा जिसकी आयु पूछी है, अगर उसने व्यक्ति की पूछी है तो 2 से गुणा और पुत्र की पूछी है तो 1 से गुणा, लेकिन उसने तो हमसे 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, तो 10 साल बाद का पूछा तो पहले तो हमें वर्तमान निकालनी पड़ेगी और वर्तमान हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास पूर्व वाला तो है। अब देखो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 60, और अगर हमने फिर करा गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा, 30 × 30। ठीक है, 1 की आ गई 60 साल और 1 की आ गई 30 साल, लेकिन कब, 5 साल पहले, क्योंकि इससे गुणा करी है हमने, इसका मतलब 5 साल पहले ये 60 का था और ये 30 का, तो इसमें 5 जोड़ेंगे वर्तमान में लाने के लिए, क्योंकि ये 5 साल पहले का है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे वर्तमान में लाने के लिए और 5 ही इसमें जोड़ेंगे, तो 5 को वर्तमान में लाने के लिए, लेकिन 10 को बाद पूर्व तो कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात करी है उसने, तो 10 ये जोड़ेंगे तो 5 पहले वाले और 10 और कितने हुए, 15, तो यहां पर हम 15 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 + 15 कितना हो गया, 75, और 30 + 15 हो गया हमारा 45, और इसका हमें क्या बताना है, अनुपात काट लेंगे, 15 × 75 और 15 × 45, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है स्टार्टिंग में योग को वहां लेके जाना है जहां पर अनुपात है, अनुपात पूर्व में है तो योग पूर्व में ले जाओ, अनुपात बाद में है तो योग बाद में ले जाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व, भाई जो ए है बी से दुगना है, तो दुगना है तो 2:1 का अनुपात, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था जब गुना की बात करता है तो जितना गुना करेगा उतने का अनुपात बन जाएगा। ठीक, आगे उसने बोला है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा, ये कह रहा है 7 वर्ष बाद योग बराबर 83। अब यहाँ पर योग की बात करिए तो इस योग को वहां लेके जाएंगे जहां पर अनुपात है। ठीक है, अनुपात कहां पर, 3 साल पहले का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाई 7 साल बाद 83, तो 7 साल बाद होगा तो 7 साल तो हमें पहले माइनस करना पड़ेगा ताकि वर्तमान में आ जाए, वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, 7 ए के और 7 बी के,
क्योंकि इसमें दोनों का योग है, ठीक है। तो ए के साथ और बी के साथ, सात और सात कितना हो गया 14 का माइनस ये करेंगे हम, ठीक है, वो वर्तमान में आने के लिए। लेकिन वर्तमान से फिर क्या करेंगे, 3 साल पहले जाएंगे, तो 3 3 6 और माइनस हो जाएगा दोनों का, तो 14 प्लस 6 कितना माइनस होगा हमारा यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सात सात दोनों के माइनस करे और फिर 3 3 भी दोनों के माइनस करे, क्योंकि हमें बाद से पूर्व में आना है, तो पहले वर्तमान में आने के लिए माइनस किया, फिर पूर्व में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हम 20 माइनस कर लेंगे, और जब 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 63, ठीक है, 63 आ गया। ये कब का आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3 साल पहले का, यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं 63, ठीक है, दोनों की आयु का योग आ गया। तरह सर अब हम कहेंगे योग को योग से भाग करो, ये 2 है, ये 1 है, कितना हो गया 3, 3 से काट दो, 3 6 3 का 3 गुणा कर दो, जिसकी आयु पूछी है उसने बोला प्रत्येक की आयु, प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो प्रत्येक की आयु बता दी, इससे गुणा करो, अगर 2 से गुणा करोगे तो 21 दुनी 42, ठीक है, अगर 1 से गुणा करोगे, इसे 1 की गुणा यहाँ करोगे तो 21 ही का 21, ये 21 साल का और ये 42 साल का, लेकिन कब, तो हमारा 3 साल पहले की बात आई, भाई जो आयु आई हमारी वो 3 साल पहले की आई, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसने पूछा कब क्या है, वर्तमान, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो 3 अगर इसमें जोड़ोगे और 3 इसमें जोड़ोगे तो देखो 42 और 3 कितना हो गया हमारा 45, एक आंसर ये हो गया, क्योंकि दोनों की पूछिए तो 1 की तो ये हो गई, दूसरे कितनी हो जाएगी 21 और 3 कितना हो गया हमारा 24, दूसरे की हमारी ये हो गई, तो फर्स्ट ये और दूसरा ये दोनों की हमारी आयु आ चुकी है। अगर उसने अनुपात पूछा होता जैसे यहाँ पूछा है तो हम इन दोनों को फिर काट लेते जैसे यहाँ पर किया था हमने, ठीक है, फिलहाल उसने आयु पूछी है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है का मतलब हो गया हमारा वर्तमान, इनकी आयु का गुणनफल, इस बार गुणनफल दिया है, गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा करके दिया है, 756 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जब भी गुणनफल वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये अनुपात है 7:3 तो इसमें हमें एक्स मानना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इनके आयु का गुणनफल मतलब 7x - 3x बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना है 756 है, ठीक है ना, तो बराबर हमने 756 लग गया, दोनों का गुणनफल बराबर 756। अब क्या होगा, ये वाला 7 और ये वाला 3 दोनों के दोनों इसके बट्टे में जाओ, और जब इसके दोनों के दोनों इसके बट्टे में आएंगे तो इसे काटेंगे, है ना, तो हम सीधा सीधे यहीं से काट सकते हैं, जैसे पहले 3 से काट दो, 3 का 3 दुनी 6 बचा 1, 3 5 15, 3 2 6, ठीक है ना। अब ये वाला 7 फिर बटे में जाएगा तो 7 से फिर काट लो, 7 3 21 बचा 4 और 7 6 42, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 36, और जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा हमारा वर्गमूल, तब हम कहेंगे देखो एक्स का मान हमारा आ गया 6, ये तो एक्स का मान आया, अभी आंसर नहीं हुआ, उसने पूछा क्या है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, पहले तो दोनों की आयु निकाल दो, अब यहाँ से एक्स का मान उठाएंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा हमारा 42, और 6 यहाँ रखेंगे 6 के कितना हो जाएगा हमारा 18, भाई एक्स का मान उठाते यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा, ठीक है ना, उतना अनुपात। अच्छा ये तो वर्तमान थी हमारी 7:3 देखो है का मतलब वर्तमान, वो कह रहा है 6 साल बाद बताओ 6 6 जोड़ दो, तो 6 इसमें जोड़ेंगे और 6 इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें 6 जोड़ेंगे 42 और 6 कितना हो गया हमारा 48, 18 और 6 कितना हो गया 24, दोनों का अनुपात पूछा है ना उसने, तो हम अनुपात बना लेंगे 24 * 24, 24 * 48, 2:1, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान दे रखा है, ठीक है, तथा 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग 150 था, 5 साल पहले बताना है
पांच वर्ष पूर्व कितना योग का 150। अब पांच साल पहले का जबकि अनुपात कब का हमारे पास, ये जो अनुपात है कब का है का मतलब हो गया वर्तमान में बोल भी रहा था आपने। तो योग को मैंने बताया था ना, योग को वहां लेके जाएंगे जहां पर हमारा अनुपात है, ठीक है ना। योग है पांच साल पहले का, तो पांच पांच जोड़ना पड़ेगा ताकि हम वर्तमान में आ गए। तो पांच जोड़ेंगे इसके पांच, इसके पांच, इसके क्योंकि तीनों का जोड़ है। तो पांच पांच दस, पांच पंद्रह, पंद्रह इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा हमारा 165। अगर अनुपात पूर्व में है, योग वर्तमान में है, तो उसे पूर्व में लेके जाओ। अनुपात वर्तमान में है, योग पूर्व में है, तो उसे वर्तमान में लेके आओ। डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन पे कि योग कहाँ का दे रखा है और कहाँ हमें जाना है। आगे जाना है तो जोड़ना है, पीछे जाना है तो घटा देना, ठीक है ना। अब हम कहेंगे तीनों की आयु का योग 165, तीनों के आयु के योग को योग से भाग करेंगे। ये 10 है, 11 है, 12, सबको जोड़ लो, 10, 11, 21 और 12, 33, ठीक है। गुणा किसकी आयु उसने पूछी है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये तो वर्तमान वाली है हमारी, और बी कितना है 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 33, ठीक है। 3 से 4 3 5 15 बचाए, 3 5 15 55 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बस इतना करना था। तो जब भी योग वाले क्वेश्चन आएंगे तो योग को वहीं ले जाओ जहां पर हमारा अनुपात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जो ए है वो बी से 2 साल अधिक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें गुना बोलता था, 2 गुना है, 3 गुना है ना, यहाँ पर 2 वर्ष अधिक कह रहा है। आगे उसने बोला था बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है, यहाँ पर वो 2 गुने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब तीन लोग दे रखे हैं और रिलेशन तीनों का आपस में दे रखा है, तो हमें क्या करना है भाई, ए बी और सी। उसने बोला ए बी से 2 वर्ष ज्यादा है, इधर को एरो बना देंगे प्लस 2 वर्ष, क्योंकि प्लस इसलिए लगाया क्योंकि 2 वर्ष अधिक है ना कि 2 गुना है, ठीक। आगे उसने बोला है तथा बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है, ये जो बी है सी से कितना गुना है 2 गुना, मतलब इसका डबल ये है और इससे 2 साल ज्यादा ये, ठीक है ना। अगर हमें इसका पता चल जाएगा तो इससे इसकी रिलेशन निकलेगा और इससे इसका। आगे उसने बोला है यदि एबीसी की आयु का योग 27 वर्ष हो। अब देखो यहाँ पर गुणे की भी बात करिए और अधिक की भी बात करिए, तो थोड़ा एक्स मानना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी आयु एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2x, तो ये दुगना हो जाएगा, ये हो रहा है प्लस 2x, तो 2x प्लस 2, क्योंकि इससे 2 साल ज्यादा है। अगर हमने इसका 2 में 4 कर दिया तो 2 गुना हो जाएगा, ना कि 2 वर्ष अधिक होगा, ठीक है ना। आपको कह रहे हैं तीनों की आयु का योग, तो तीनों की आयु को जोड़ दो भाई, 2x ये, 2x ये 4x, 1x ये 5x प्लस 2, ये जुड़ेगा नहीं कभी, 7x कर दो, क्योंकि ये 2 हमारा अलग है और ये हमारे x के साथ चल रहा है, ठीक है। तीनों की आयु का योग कर दिया हमने इतना, और बराबर योग कितना दे रखा है उसने 27 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है उसने 27, तो हमने तीनों की आयु का योग बराबर 27 रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर ये 2 का माइनस होगा, कितना बचेगा भाई 25, और 5 इसके बटे में चला जाएगा तो 5 5 25, तो x का मान कितना आ गया 5, ठीक है ना। आगे उसने पूछा क्या है, तो b की आयु कितनी है, तो b की आयु बतानी है, और b ये है हमारा x का मान जाओ यहाँ रखो, यहाँ रखोगे 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 ही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करा इस मान को 2x में हमने x का मान रख दिया ये वाला, ठीक है। उसने आयु कौन सी पूछी थी हम, कितनी है का मतलब भी वर्तमान ही होता है, ठीक है। और ये जो हमारा कंडीशन बनी थी ये भी देखो उसने बोला था ना यहाँ पे है, तो ये सब वर्तमान ही थी हमारे, ना इसमें कोई जोड़ना है ना कोई इसमें घटाना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।